नमस्कार जी पशुपालक साथियों, सारे भाइयों ने राम राम भाई। तो आम किसान की वीडियो ज़्यादातर लेकर आना पसंद करते हैं भाई, ताकि देखो जो पशुधन है, खरने हैं, जो हमारे आम किसानों के पास है, बहुत पुराने हैं। कदे दादे परदादियाँ की महस लियाउड़ी हैं, वे चाली जाऊँ हैं। तो भाई आज एक और झोटी बहुत बढ़िया, बिल्कुल आम किसान के कुट्टे पे बिक्री के लिए है। और ये देखो जी, एटमोसफेयर देखो, वातावरण देखो, ये देखिए जामुन का पेड़ है, बहुत बड़ा आकार का है जी, ये देखिए। और इसके नीचे पशु बन रहे हैं सारे, उधर भी आप देखोगे, ये देखो जी पशु बन रहे आराम से बालू रेत में बैठे हैं। प्लस साथ में ये देखो जी पानी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये देखो जीरी का एरिया है जी, हमारे गांव कुंगड़ में, देख सकते हैं। हमारे गांव से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो भाई साहब अपने राम राम जी। भाई साहब जो आज झोटी दिखाओगे आप, अपने घर की या कैसे है? अपने घर की है दीपक भाई। अपने घर की है, जन्मी है। अच्छा, घर की जन्मी है। इसकी माँ के कितना दूध था? माँ 20 किलो दूध है अपने पास, दूध के तैयार है। अच्छा, वो बैठी जो इसी की माँ, वो देखो जी वो वाली भैंस जो है वो इसकी माँ है, वो सामने बैठी। बढ़िया भैंस है भाई, देखो हमारे गांव में चर्चा इस भैंस की, अच्छी भैंस है, रूटीन में दूध देने वाली है। तो उसी की कटड़ी है ये, कटड़ी दीपक भाई। ठीक है, ये कौन से ब्यात में है? ये अब तीसरी भैंस डिलीवर करेगी भाई, तीसरी ब्यात में। ठीक है जी, जो मोबाइल नंबर है भाई वो स्क्रीन पे चल रहा है, तीसरी बार भी आएगी। तारीख होगी आज जी, आज तारीख में बता देता हूँ आपको, लगभग 26 तारीख होगी आज। 26 तारीख होगी, कितने दिन बाकी इसके? देखो भाई टाइम तो आज 26 तारीख का है इसका। अच्छा, आज का है ही। हाँ जी, और व्यान में देखो भाई दिया कैदन और लेवा। अच्छा अच्छा। हाँ भाई। अच्छा यू बताओ भाई साहब, इसकी डिटेल के है, तीसरी बार ब्याह होगी, दूसरी बार कितना दूध दिया, खरकिन कितना भाई? खरकिन ने दिया भाई 13-14 किलो दे दो। अच्छा, दूसरी बार दिया ना 15-16 लीटर दूध, 15-16 से प्लस था दूसरी बार। ठीक है। हाँ, और अब तीसरी बार दोनों ब्याह में कटड़ी दी है हमने। अच्छा। हाँ जी, तीसरी बार डिलीवरी करेगी अभी, तीसरी बार करेगी डिलीवरी। ठीक है, तो मतलब यूं बताओ जी, लंबा दूध दिया, कैसे दिया दूध भाई? नॉर्मल 2.5 महीने की छोटी थी अब। अच्छा। हाँ जी, चलो जी एक बार झोटी दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, बिल्कुल छोटे सींग की बढ़िया, ये देखिए थोड़ी गर्दन सीधी कराओ भाई सब। ये देखो छोटे सींग की भाई, गर्दन अच्छी ले रही है छोटी, लंबाई भी खूब बढ़िया ले रही है। ये देखिए बढ़िया लंबाई की, और नसें देखो बिल्कुल पतली चमड़ी है, हालांकि इतनी तैयार नहीं है भाई छोटी। देखो ये बात मैं कहना चाहूंगा, डाइट प्लान भी पूछे के कुछ दे हुए हैं, बाकी जो मेरा हिसाब है भाई, देखो वीडियो बनावा कदे तो डंगर रख दे आवा। हाँ, ये देखिए मिल्क वेन देखो भाई, जबरदस्त। ये देखिए अभी थड़ा में जोश हुआ नहीं है भाई, कहीं ना कहीं साइड टाइम और ले ले झोटी, कम से कम 2 से 3 दिन और लेने चाहिए मेरा जो मानना है, और बाकी परमात्मा की मर्जी भाई, केवरा शाम में भी आ जावा। ये देखो पीठ पुठा देखो आप, चौड़ाई बहुत है, तैयारी में थोड़ी सी कमी है, बाकी ये देखिए सारी पूछांगे। ये देखिए चौड़ाई खूब ले रहा पशुधन, ये देखिए थोड़ी सी कैमरे से भाई भी तक जाओ पशुधन, कोई भी हो गया लोकल किसान का जब जाओ, हाँ क्योंकि जो आना जाना है भाई भैया का वो थोड़ा सा कम हो जाओ है, लोकल में एक जगह बंदे रह जाओ हैं तो इसका फर्क होता है। ये देखो बाकी अडर क्वालिटी बढ़िया ले रही है, थना का गैप मैं दिखाना चाहूँगा यहीं से बैठ के जूम करके। ये देखो थना का गैप अलग अलग है बिल्कुल, अभी तो जोश भी नहीं किया भाई सब थना पे। दीपक भाई अभी मुझे लगता है 3-4 दिन और ले होगी, अभी 3-4 दिन और ले होगी। ठीक है, पूरा की साग बना देगी, एक नंबर का अडर बनाओगी बढ़िया, बिल्कुल फसा फसा, कोई कान कून कुछ नहीं होगा फिलहाल की तो, मेरे तौर को है कोई नहीं फिलहाल तो, अभी तो कुछ नहीं है जी, फ्रेश है थना की उड़ते। अच्छा, हर चीज की जिम्मेदारी है, हर चीज की जिम्मेदारी, फूल फाल की सारी चीज है, चुवाई की सीखती भाई साहब, एक नंबर नरम चुवाई है भाई, नरम चुवाई थी बिल्कुल। ठीक है, थना की चुवाई की अपनी फुल जिम्मेदारी, फुल जिम्मेदारी है। ठीक है जी, दूध कितना निकालती हर ब्याज का अलग अलग सिस्टम हुआ है, लेकिन मैं तो मानू भाई 17-18 लीटर दूध तो देना चाहिए। हाँ, 17-18 तो दूध देना ही चाहिए बिल्कुल, जो अगर इतना दिया तो देना चाहिए जी। और टाइम बताओ भाई। ठीक है, ये देखो जी झोटी अच्छी साइज की है, अगर ये झोटी थोड़ी सी और तैयार होती तो कुछ और लगती। ये देखिए थोड़ी सी कमजोर छोड़ रखी है भाई साहब। दीपक भाई नॉर्मल इतना ही रखा मैं, डाइट में क्या क्या सही बताओ, थोड़ा बड़ा ताट टूट डाल दे अपना। अच्छा, और अपना रहता रहा अपना दीवार दूर आ रहा चारा तो अपना होता है रहो, क्योंकि खेता में रहना हो गया बढ़िया, तराई नॉर्मल रखा भाई गणेश चौथा तराई। अच्छा ठीक है, नॉर्मल में अपना दूध दे ही जाओ रूटीन में। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चे कैसे दी, हर साल दिया कैसे बच्चा दिया भाई? एक तो मैंने दिखा देता हूँ अभी भी। अच्छा, मान लो आई एक नंबर की प्योर मुर्रा थी बिल्कुल। अच्छा, ये दूसरा थोड़ी कमजोर है, इसमें थोड़ी बीमार हो गई थी। ठीक है, अभी आप यार अपने पास था कौन सी है?
अच्छा वो आगे खड़ी ज्यादा बीमार हो गई थी बीच में। अच्छा वो वाली ठीक है ठीक है। दो ब्याह तो दोनों कटड़ी थी हैं भाई। ठीक है ठीक है जी बहुत बढ़िया। तो अभी क्या पिन कौन से बुल से पता कुछ क्या बनवाई? मेरे हिसाब से तो HLDB से है। ठीक है जी बहुत बढ़िया। देखो भाई पशुधन बढ़िया है और अच्छी झोटी है घर पे दून खातर बढ़िया है। एक बार रेट और बता दो सही। देखो भाई 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए मान सम्मान? मान सम्मान तो हुआ है भाई कोई ठीक रेट है मेरा जादू तो सही है भाई। सही है बाकी भाई बता देंगे। देखो जी पशुधन का सारे भाई ने पता। देखो आम किसान जब पाल है भाई इन चीजों में खर्चा भी बहुत आ जा है और झोटी अच्छी है भाई माड़ी झोटी नहीं है। देखो स्क्रीन पर आप देखोगे वे तो अच्छी लगेगी आपने। बाकी चौड़ाई बढ़िया बताई लंबाई बतेरी ले रही है ऊंचाई भी अच्छी ले रही है। पूंछ लगभग 1.5 इंच मुश्किल से सफेद मिलेगी। पतली पुछड़ की है पतली चमड़ी की है। ये देखो पीछे से मैं दिखा दूँ अगर ड्रे नहीं तो झोटी ये देखो अड्रे भाई साहब ने बताया और बनाओगे बनाना भी चाहिए भाई क्योंकि बिना तो थना बजो उसे अभी तो टाइम भी लेगी झोटी। ये देखो भाई अड्रे भी अच्छा ले रही है और पीठ पुठा भी काफ़ी बढ़िया ले रही है। तो वह 1,60,000 रुपये इसकी कीमत है और बढ़िया। देखो जी यहाँ का पानी हो गया रहना सहना बहुत बढ़िया पशुधन का और पेड़ की छाँव में जो पशुधन रहो है ना कैल्शियम की कमी ना फास्फोरस की कमी सारी चीज़ पूरी हो जाओ है। तो सारे भाई तो यो निवेदन रहोगा जी अच्छा पशुपालन पर ध्यान दो और जिस भाई ने ज़्यादा जानकारी चाहिए छुट्टी की वो भाई आप ले सकते हो मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा है। तो ठीक है सुमीर भाई साहब ठीक है राम राम जी राम राम भाई ठीक है भाई राम राम सारे भैया में।